हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक्सेल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सीलिंग और फ्लोर फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, सीलिंग का मतलब आप यह समझिए जैसे किसी भी बिल्डिंग की छत, और फ्लोर का मतलब यह समझिए कि बेस। तो दोस्तों, चलिए हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं और जानते हैं। अगर इसको बेसिकली अगर इसको यह कहा जाए कि जैसे मान लीजिए किसी पांच एक संख्या है जिसमें तीन से भाग देना, अगर जब भी हम पांच में तीन से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वह पॉइंट में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा। तो सीलिंग फार्मूला और फ्लोर फार्मूला क्या काम करता है कि अगर आप पांच में तीन से भाग देना चाहते हैं तो जब भी आप भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन आप सीलिंग या फ्लोर फार्मूला लगाते हैं तो वही संख्या पूर्णांक बना देगा और वहां पर पॉइंट में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बताया कि किसी भी संख्या में कुछ एक पर्टिकुलर अंक से भाग देने पर अगर हमको कोई भी रिजल्ट आता है तो दशमलव में आता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी हुई है 15625 में तीन से भाग देना है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह पॉइंट में आएगा, मतलब कि दशमलव में आएगा। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। इक्वल टू साइन लगाएंगे और 15625 पे क्लिक करने के बाद भाग का निशान लगाएंगे और इस संख्या पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सीलिंग फार्मूले और फ्लोर फार्मूले से यही होता है कि हम जो भी संख्या है वो कौन जैसी पूर्णांक संख्या बन जाए जो कि किसी भी संख्या से पूर्णतः कट जाए, भाग हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीलिंग को मैंने ऊपर की तरफ इंडिकेट दिया है और फ्लोर का मतलब डाउन की तरफ। तो सीलिंग का मतलब कि कोई भी संख्या जो होगी वो बढ़ते क्रम मतलब ऊपर की तरफ होगा और फ्लोर का मतलब डाउन की तरफ होगा। तो चलिए हम सीलिंग फार्मूले को यूज करते हैं। तो इक्वल टू साइन लगाया और इस संख्या पे क्लिक करने के बाद इक्वल टू साइन लगाने के बाद यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे, CEILING कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो ये हमारा नंबर है। उसके बाद कामा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस, जिस संख्या से भाग देना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो संख्या है 15625 है और यहाँ पे तीन से भाग दे रहे हैं तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, दशमलव में रिजल्ट आएगा। इसलिए ये कह रहा है अगर हम इस संख्या को पूर्णांक बना देते हैं, मतलब 15627 कर देते हैं, तीन से भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। आप कोई भी संख्या और यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और संख्या लिखी हुई है और पांच से भाग देना। चलिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए दशमलव में आएगा, फिर फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे, CEILING कोष्टक लगाएंगे, पहले बिना फार्मूले लगाते हैं। देखिए इक्वल टू साइन लगाने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद फिर पांच से भाग देते हैं तो हमारा रिजल्ट फिर दशमलव में आया। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू साइन लगाने के बाद फिर टाइप करते हैं CEILING कोष्टक लगाएंगे, नंबर मांग रहा है, फिर कामा करने के बाद इस पांच पे क्लिक करेंगे और कोष्टक बंद करने के बाद इंटर करेंगे। अब देखिए ये 13250 हो गया, इसमें संख्या बढ़ा दी गई। अब हम फ्लोर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से भाग देख के देख लेते हैं क्या फ्लोर वाला भी पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिना फार्मूले के। इस संख्या पर क्लिक करने के बाद भाग का निशान लगाएंगे, सात पे क्लिक करेंगे, इंटर मारेंगे तो पॉइंट में आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्लोर फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, पॉइंट में नहीं आएगा। FLOR कोष्टक लगाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, कामा लगाएंगे और सिग्निफिकेंस मांग रहा है, इस नंबर पे क्लिक करेंगे, कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए पूर्णांक संख्या हो गई है और यही चीज क्या हो गया कि ये इससे यहाँ 42 और इससे संख्या ये क्या हो गई, कम हो गई। चलिए हम इसको पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं एक बार, देखिए इस तरह से पूरा रिजल्ट हमारा आ गया है। दोस्तों, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और बताएं। दोस्तों, एक बात और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से बताएं सीलिंग और फ्लोर फार्मूले का प्रयोग कहां पर होता है।